तो हम बात करेंगे परसेंटेज की, ठीक है। तो देखो परसेंटेज का जो क्वेश्चन है ना भाई, अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो हम यहाँ पे यूपीएससी सी सेट का आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं यार, आपसे कोई भी बाइनोमियल थ्योरम नहीं पूछेगा, आपसे कोई भी बड़े बड़े थ्योरम्स मैथ के नहीं पूछे जाएंगे, आपसे बेसिक चीज़ें पूछी जाएगी। हमने जो बेसिक चीज़ कवर की है नंबर सिस्टम की बेसिक चीज़, ठीक है, हमने नंबर सिस्टम की बेसिक चीज़ कवर की, एच सी एफ की बेसिक चीज़ कवर की, एल सी एम की बेसिक चीज़ कवर की, एवरेज की बात की। अब हम बात करेंगे परसेंटेज की। यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं यार, यहाँ पे हमारे पास है ना वो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पे होते हैं। बट उससे पहले आपको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और आसानी से हो जाता है, थोड़ा सा चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, है ना। 1/2 50% होता है, ठीक है। 1/3 33% होता है, 33.33। 1/4 25 होता है, 1/5 होता है 20, 1/6 होता है 16.6, 1/7 होता है 14.28, 1/8 12.5, 1/9 11.1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना चाहिए 1/6 क्या होता है, 1/7 क्या होता है, 1/9 क्या होता है, ठीक है। तो सबको याद रहना चाहिए, बिकॉज बाकी सब चीज़ें याद रह जाती है, ये चीज़ें नहीं याद आती, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 1/11.9 है ना, 1/12 8.3, मतलब 0.9 नहीं है, 9.9 है, 1/11 है ना, तो इसका इंपॉर्टेंस उतना ज़्यादा नहीं है। 1/15 6.6, 1/14 17 7.14, 1/17 5.8, 1/25%, 1/18 हो जाता है 5.5, एंड 1/19 5.25। कहाँ पे काम आएगा वो मैं तीसरे बता दूंगा यार, ठीक है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज की। परसेंटेज का एप्लीकेशन कहाँ पे, पहला है हमारे पास, पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन द इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन द क्वांटिटी। तो जो परसेंटेज इंक्रीज होता है भाई, परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू व्हाट, इट इज परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज इन द वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, ओके। परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है भाई, इंक्रीज इन द वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। परसेंटेज डिक्रीज कुछ नहीं होगा भाई, डिक्रीज इन द वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, ठीक है। ये हो गया डिक्रीज इन द परसेंटेज, ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, है ना। हमारे पास अगर परसेंटेज चेंज बोला गया है, सो एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ये होता है परसेंटेज चेंज, जो कि बहुत बार पूछा जाता है ना। इफ़ एन अमाउंट इंक्रीज बाई एक्स परसेंट एंड देन इट डिक्रीज बाई वाई परसेंट अगेन, देन द रिजल्टेंट चेंज इन द परसेंटेज इज़, इंक्रीज कर दिया एक्स परसेंट से फिर वाई से डिक्रीज करें, तो एक्स माइनस वाई करेंगे, माइनस करेंगे, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास परसेंटेज चेंज आता है। ये क्या आता है हमारे पास, परसेंटेज चेंज। तो ये हमको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक होता है अगर कोई भी अमाउंट एक्स परसेंट से बढ़ा दिया एंड देन डिक्रीज कर दिया एक्स परसेंट से, एंड देन देर इज ऑलवेज एन ओवरऑल परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है। हमेशा क्या होगा, परसेंटेज डिक्रीज होगा। अगर एक्स परसेंट से बढ़ाने के बाद एक्स परसेंट से फिर से डिक्रीज कर दिया ना, तो हमेशा डिक्रीज ही होगा वो, है ना। नेट सपोज करो 5% से किसी का अमाउंट बढ़ा दिया, फिर 5 रुपये से बढ़ा दिया, मतलब बोलता हूँ 5% 100 रुपये था किसी का, उसको 5% बढ़ा दिया, मतलब 105 कर दिया, फिर 5% कम किया ना, तो इसका 5% ज़्यादा वैल्यू होगा, तो ये हमेशा डिक्रीज ही होगा। सो ऑलवेज डिक्रीज होगा यहाँ पे, ऑलवेज परसेंटेज डिक्रीज होगा यहाँ पे, ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो परसेंटेज डिक्रीज होगा उसकी वैल्यू क्या होगी भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज नहीं है, एक क्वेश्चन है यार, है ना। परसेंटेज डिक्रीज हो गया। उसके बाद हमारे पास अगर हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में इंक्रीज करने की बात की है ना, और फिर डिक्रीज करने की बात की है, इंक्रीज फिर डिक्रीज, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हमने डिक्रीज किया पहले भी एंड दूसरे वाई से डिक्रीज कर दिया, तो हमारे पास क्या होगा, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये चीज़ दिमाग में आ जाती है, ठीक है। अगर हमने एक अमाउंट को क्या किया, इंक्रीज़ किया एक्स से, फिर से इंक्रीज़ किया वाई से, तो यहाँ पे सब डिक्रीज डिक्रीज था दोनों में डिक्रीज डिक्रीज था, यहाँ पे दोनों में इंक्रीज इंक्रीज है, तो यहाँ पे माइनस माइनस था दोनों में, है ना। यहाँ पे माइनस माइनस था, डिक्रीज डिक्रीज है, इसीलिए यहाँ पे प्लस प्लस होगा, प्लस एक्स प्लस वाई, आखिरी में तो एक्स वाई अपॉन 100 होना ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास कब का है, रिजल्टेंट चेंज क्या होगा, ठीक है। सो अगर हमारे पास इनिशियल अमाउंट इज इंक्रीज बाय एक्स परसेंट, देन अगेन इंक्रीज बाय वाई परसेंट एंड फाइनली इंक्रीज बाय जेड परसेंट, सो व्हाट इज द रिजल्टेंट क्वांटिटी ए, बाद में जो बनेगा रिजल्टेंट क्वांटिटी वो क्या होगा, जो इनिशियल क्वांटिटी आपको पता मिले रहेगा ना, सो उसको इनिशियल क्वांटिटी इंटू 100 इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, और ये हमको निकालना रहेगा, अपॉन 100 प्लस एक्स करेंगे, 100 प्लस वाई करेंगे, 100 प्लस जेड करेंगे, है ना।
फिर अमाउंट था समझ कर, इफ एन अमाउंट इज इंक्रीज बाई 100% देन अगेन इंक्रीज बाई वाई परसेंट फाइनली इंक्रीज बाई जेड परसेंट, सो वॉट रिजल्टेंट क्वान्टिटी ए, 100 था उसको हमने क्या करिए एक्स परसेंट से बढ़ा दिया, फिर जो क्वान्टिटी मिला उसको हमने वाई परसेंट से बढ़ा दिया, फिर जो क्वान्टिटी मिला उसको जेड परसेंट से बढ़ा दिया, तो जो क्वान्टिटी लास्ट में मिला वो हमारे पास ए है। अब वो ये क्या होगा, ये हमको निकालने का तरीका है ये, ठीक है। तो हमने बेसिक फार्मूलाज देख लिए हैं, अब हम टाइप बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो जो हमने फार्मूलाज देखे हैं ऊपर उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय, ठीक है, इंक्रीज बाय कितना, इंक्रीज बाय 25% एंड देन डिक्रीज बाय हमारे पास कितना 20%, द रिजल्टेंट चेंज इन द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन द परसेंटेज, ठीक, परसेंटेज चेंज हमसे पूछा है भाई। पहले इंक्रीज करना फिर डिक्रीज करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पहले इंक्रीज करना फिर डिक्रीज करने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास एक्स, पहले इंक्रीज करना प्लस है ना, एक्स जो है हमारे पास ये है, फिर डिक्रीज को माइनस किया है ना, माइनस एक्स वाई बाई 100, ये हमारे पास परसेंटेज चेंज होता है, जहाँ पे पहले क्या हुआ इंक्रीज हुआ है फिर डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इंक्रीज हुआ तो हमने इसके क्या लिखा, आगे में प्लस लिखा है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होगा भाई, पहले क्या हुआ इंक्रीज हुआ 25 माइनस, फिर डिक्रीज हुआ माइनस करेंगे, याद रखना यहाँ पे प्लस मत कर देना यार, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस मत कर देना, यहाँ पे माइनस है। उसके बाद एक्स वाई 25 × 20/100, ये ख़त्म, ये 1 जा, ये 5 जा, ये 1 जा, ये 5 जा, तो नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा भाई, है ना, परसेंटेज चेंज कितना होगा यहाँ पे, ये माइनस करेंगे तो ये होगा 0%, ठीक है। तो प्राइस जो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, सो आंसर हो जाएगा डी। तो इस प्रकार से आपको समझना है चीज़ों को, ज़्यादा कॉन्सेप्ट मत लगा यार, कुछ चीज़ें जो परसेंटेज परसेंटेज में है वो इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना कॉन्सेप्ट को। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको समझ आएगा। जो देखो तरीका जो है, फॉर्मूलाज हमारे पास है 3, इंक्रीज डिक्रीज वाले, डिक्रीज डिक्रीज वाले और इंक्रीज इंक्रीज वाले, तो उसको हमको यहाँ पे देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ नंबर एक्स इज इंक्रीज बाय 20% देन बाय 30% एंड फाइनली इंक्रीज बाय 50%, इफ द रिजल्टेड नंबर इज 234 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमने देखा भाई ये क्वेश्चन में, हमने जो इनिशियल क्वांटिटी जो दिखी थी, इनिशियल क्वांटिटी या फिर है ना जो शुरुआत में जो नंबर होगा वो क्या होगा, हमने देखा अगर ए से इंक्रीज किया, फिर बी से इंक्रीज किया, फिर सी से इंक्रीज किया, तो सॉरी एक्स ए बी सी नहीं करते इसको, वो एक्स से इंक्रीज किया, फिर वाई से इंक्रीज किया, फिर जेड से इंक्रीज किया, तो हमारे पास जो इनिशियल क्वांटिटी होगा वो क्या होगा, 100 × 100 × 100 × ए, जो लास्ट में जो क्वांटिटी बचेगी बनेगी इंक्रीज करने के बाद, वो अपॉन 100 + x × 100 + y × 100 + z, ये हमारे पास क्वांटिटी बनता है, ये हमको पता होना चाहिए भाई। एग्जाम में सोचने का समय नहीं, आसान क्वेश्चन है मत सोचो, टफ क्वेश्चन में सोचो, ठीक है। तो इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास एक्स वैल्यू पूछी गई है, 100 × 100 × 100 × 234 अपॉन, नीचे में हम लोग 100 + x कितना हो जाएगा, 120 × 130 × 150, ठीक है। ये जीरो, ये जीरो खत्म, ये जीरो, ये जीरो खत्म, ये जीरो, ये जीरो खत्म, ठीक है। ये 3 जा, ये 2 जा, ये 1 जा, ये 6 जा, ठीक, ये 1 जा, 7 जा, 21, 24, 8 जा, ठीक है, 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6 और 1 = 3 जा, 13 कैंसल। तो 100 हमारे पास क्या हो जा रहा है भाई, इनिशियल क्वांटिटी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 100, ओके। तो इस प्रकार से आपको समझना है कहाँ पे कौन सा अप्लाई करना है, ठीक है। हमने जो फॉर्मूलाज देखे हैं वो बहुत ज़रूरी है भाई, फिर से मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है तो हमेशा डिक्रीज ही होगा, एंड जो परसेंटेज डिक्रीज होगा वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 100, मतलब एक्स परसेंट से बढ़ा दिया फिर एक्स परसेंट से कम हो गया तो ऑलवेज डिक्रीज ही होगा, है ना। और वो कितना डिक्रीज होगा, एक्स स्क्वायर बाई 100 से परसेंटेज डिक्रीज। अगर पहले इंक्रीज हुआ एक्स से फिर डिक्रीज हुआ वाई से, तो ये क्या होता है, इंक्रीज के सामने में प्लस थोड़ा सा आता है, फिर डिक्रीज में माइनस, और फिर यहाँ पे माइनस एक्स वाई बाई 100। अगर पहले डिक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ तो माइनस माइनस सामने में डिक्रीज का वैल्यू है ना, ये प्लस एक्स वाई बाई 100 आ जाएगा इसमें, है ना। उसके बाद पहले इंक्रीज फिर बाद में इंक्रीज, तो सब में प्लस रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप एक्स इंक्रीज हुआ फिर वाई से इंक्रीज हुआ फिर जेड से इंक्रीज हुआ, तो हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू होती है ना वो क्या होती है भाई, 100 × 100 × 100 × a, जो फाइनल क्वांटिटी जो बनी एक्स से इंक्रीज करने के बाद, वाई से इंक्रीज करने के बाद और जेड से इंक्रीज करने के बाद, अपॉन 100 + x × 100 + y × 100 + z। तो ये हमारे पास फॉर्मूलेज दीवार में लेके चिपका दो, कभी भी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बनाओ दिमाग में छप ही जाता है, तो ये हमको समझना है यार, ठीक है। अब देखो ये हमने क्वेश्चन ट्राई के लिए किया था, अब यूपीएससी में जो आया वो हम देखते हैं यार। 2019 में आया था हमारे पास सी साइड में, 2019 में क्या लिखा हुआ है,
ए एंड बी आर टू हैवी स्टील ब्लॉक्स, ठीक है, ए और बी दो हैवी स्टील ब्लॉक्स हैं। इफ बी इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए द वेट इंक्रीज बाय 60%, ठीक है, बी को ए के ऊपर रख दे तो वेट कितना इंक्रीज हुआ भाई, है ना, वेट इंक्रीज बाय 60%। हाउ मच वेट विल रिड्यूस विद रेस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ ए एंड बी इफ बी इज रिमूव फ्रॉम द टॉप ऑफ ए, ठीक है। सो कितना हमारे पास क्या होगा, वेट रिड्यूस होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो समझना यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन में आपको एज्यूम करना होता है, एज्यूम करने से आसान पड़ जाता है, ठीक है। मान लो कि जो ए का वेट है वो 100 kg है, ठीक है, टू स्टील ब्लॉक्स है, बी इज प्लेस ऑन द टॉप ऑफ ए, द वेट इंक्रीज बाय 60%, ठीक है। सपोज करो ए का जो वेट है वो मान लिया हमने कितना 100, मान लेना जरूरी है यहाँ पे, आसानी से बनेगा। देन हमारे पास प्लेस करेंगे, जब हमारे पास क्या लिखा है, प्लेसिंग बी ऑन द टॉप ऑफ ए, ए के ऊपर जब हम नीचे वेट मशीन है, ठीक है, वेट मशीन है, तो हमने क्या किया, बी को हमने ए के ऊपर रख दिया, बी को हमने क्या कर दिया, ए के ऊपर रख दिया, ठीक है, बी को हमने क्या कर दिया, ए के ऊपर रख दिया, तो हमारे पास जो टोटल वेट हो जा रहा है ना, वो इंक्रीज हो जा रहा है 60% से, है ना। तो अगर हमने इसको माना है तो कितना हो जाएगा, 60% मतलब इसका 100% का 60%, ये 160 हो जा रहा है। हेंस जो वेट ऑफ बी होगा वो कितना हो रहा है ना, जो वेट ऑफ बी कितना हो रहा है भाई हमारे पास, 60 kg। नाउ अगर हमने रिमूव कर दिया उसके टॉप से, तो रिडक्शन इन द वेट परसेंट क्या होगा विद रिस्पेक्ट टोटल वेट जो ए का था एंड बी का था, तो जो टोटल वेट था हटाने के बाद, तो पहले था 160, बाद में कितना हुआ हटाने के बाद, कि हमने क्या किया है, बी को हटाया है ना, है ना, क्या लिखा है हमसे, बी इज रिमूव फ्रॉम द टॉप, देन रिडक्शन इन द वेट विद रिस्पेक्ट टोटल वेट ऑफ ए, ठीक है, ये हो जाएगा 160 माइनस 100 अपॉन 60। कैसे भाई, बिकॉज ए के रेस्पेक्ट में हमको बताना है, तो ए का वेट तो हमने 100 माना है ना, जब हमने क्या किया, टॉप से हटा दिया बी को, ए का वेट हमने 100 एज्यूम किया, तो बी का वेट हमने कितना समझा भाई, बी का वेट 60 होगा, बिकॉज ए का वेट हमने 100 एज्यूम किया है, तो 60% 60 kg इसका होगा, तभी तक 60 से बढ़ेगा यार ये, है ना। सो ये होगा, ठीक है। तो हमने जो देखा, हमसे क्या पूछा है, रिमूव फ्रॉम द टॉप, ठीक है, हमने बी को हटा दिया तो क्या हो जाएगा हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज, पहले बाद में कितना था 160 बना, जब हमने बी को ऊपर में रख दिया था, तो 160 माइनस 100 अपॉन इनिशियल 160 इंटू 100, ठीक है, तो ये 60 अपॉन 160 इंटू 100, ये जीरो खत्म, ये 4 जा, ये 15 जा, ये 1 जा, ये 3 जा, 3 पॉइंट कितना, 3.30 है ना, 3.567 जा, सो 37.5% जो होगा वो परसेंटेज हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन जो होगा वो, तो आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरह क्वेश्चन सबसे पहले आसान होता है, कन्वीनियंट होता है कि हमारे पास एक अनवेरिएबल को 100 अज्यूम करके चले भाई, 100 की पता नहीं, एक वीक एक वेट की परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज है ना, तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगी आप वेट कितना लोगे, ठीक है। सो एक अज्यूम करके चलने से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, जो कि हमारे पास किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन दी टाइप टू क्वेश्चन है, इट इज़ बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, है ना, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन व्हाट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस्ड है। सो द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, अगर कहीं पे किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट अगर इंक्रीज किया एक्स परसेंट से, देन हाउ मच डिक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ द आर्टिकल सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम इज गिवन, ठीक है, कि हमारे पास कंजम्पशन कितना से कम करें, कि हमारे पास जो कॉस्ट है उसको हमने बढ़ाया है एक्स परसेंट से, कि जो उसका एक्सपेंडिचर है उसका लागत जो है वो सेम रहे। सो द डिक्रीज इन द कंजम्पशन इज गिवन बाय व्हाट, इट इज़ गिवन बाय एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ, क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ आएगा,
एंड इफ द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज डिक्रीज बाई एक्स परसेंट। सपोज करो किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट है, एक पेन है भाई, उसका सपोज हमने दाम एक्स रुपये से कम कर दिया, देन हाउ मच इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ द आर्टिकल, कितना ज़्यादा हम कंजम्पशन जो है पेन का बढ़ाएं, सो दैट उसका जो एक्सपेंडिचर है, इसका जो लागत है हमारे पास बनाने के लिए, वो हमारे पास सेम रहे। तो हमारे पास जो परसेंटेज इंक्रीज इन द कंजम्पशन, वो कैसे निकालेंगे भाई, एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100। तो यहाँ पे प्लस है, अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो प्लस है, और डिक्रीज कर रहे हैं कॉस्ट को तो यहाँ पे माइनस है, ठीक है। इफ़ द इनकम ऑफ द पर्सन इज एक्स परसेंट मोर देन द पर्सन बी, देन इनकम ऑफ द बी इज लेस इन कंपेरिजन टू ए बाई। सपोज करो एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, इस ए का सैलरी ज़्यादा है, ए का इनकम ज़्यादा है एक्स परसेंट से, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, द इनकम ऑफ द बी इज लेस इन कंपेरिजन टू ए बाई, तो ए का बड़ा है भाई, ज़्यादा है, बी का कम कितना है कैसे निकालेंगे, एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100 से। इसका कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ बिकॉज एग्जाम में कॉन्सेप्ट नहीं सोचते रहना, हमने को परसेंटेज वाले क्वेश्चन दिखे आपके फॉर्मूले के हिसाब से आए तो लगाओ, आगे बढ़ो, नहीं आए तो छोड़ के भागो। यदि इनकम ऑफ द पर्सन इज एक्स लेस देन द पर्सन बी, ए और बी है, ए का कम है भाई, ए का बी कंपेरिजन में कम है एक्स परसेंट, देन इनकम ऑफ बी इज़ मोर इन कंपेरिजन टू ए, ठीक है। तो बी का कितना ज़्यादा है ना, बी का मोर जब होगा तो नीचे में माइनस आएगा, बी का जब लेस होगा तो नीचे में प्लस आएगा, लेस मीन्स प्लस। एक क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, यदि प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 25%, किसी भी पेन सपोज करो पेन का प्राइस हमने 25% से बढ़ा दिया, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन इज टू बी डिक्रीज, कंजम्पशन कितना कम करेंगे सो दैट नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर, ठीक है। जब इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है भाई, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहे हैं तो 100 प्लस एक्स आ रहा है इंटू 100, ये हमारे पास परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन, ठीक है। सो एक्स मतलब 25 अपॉन 125 मतलब 100 प्लस 25 इंटू 100, ये 1 जा, ये 5 जा, ये 1 जा, ये 20 जा। तो कंजम्पशन को हम कितने से कम करना पड़ेगा भाई, कंजम्पशन को हमको 20% से कम करना पड़ेगा, जिससे जो प्राइस में उसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब जो एक्सपेंडिचर उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है यार, अ फुल टैंक पेट्रोल है, देखो 2013 के सी सेट में आया था, अ फुल टैंक पेट्रोल इन अरुण मोटरसाइकिल लास्ट फॉर 10 डेज, अगर अपनी टंकी जो है अरुण जो है वो फुल करा देता है तो 10 दिन तक चलता है, इफ़ ही स्टार्ट यूजिंग 25% मोर एवरी डे हाउ मच डेज विल द टैंक फुल पेट्रोल लास्ट, ठीक है। अगर वो क्या करता है ना, पहले के मुकाबले 25% ज़्यादा इस्तेमाल करता है गाड़ी को, तो अब कितना दिन चलेगा भाई, ये हमसे पूछा गया है। 20 पता नहीं, समझ रिकॉर्ड नहीं लगता है, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, अ फुल टैंक पेट्रोल इन अरुण मोटरसाइकिल लास्ट फॉर 10 डेज, अगर टंकी फुल करा लेता है तो हमारे पास 10 दिन तक चलता है यार अरुण का डे है ना मोटरसाइकिल, सो अगर वो हमारे पास उसको 25% इस्तेमाल कर रहा है हर दिन तो ये कितने दिन तक चलेगा, ये हमसे पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, अगर सपोज करो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ डेज पेट्रोल लास्ट, वो कितना होता है भाई, अमाउंट ऑफ पेट्रोल इन द टैंक अपॉन नंबर ऑफ यूनिट यूज्ड एवरी डे। तो एक यूनिट इस्तेमाल कर रहा है सपोज करो, क्योंकि हमको कुछ नहीं दिया हुआ है तो एक्स मान लेते हैं, तो नंबर ऑफ पेट्रोल 10 दिन लास्ट कर रहा है, अमाउंट ऑफ द पेट्रोल हम निकाल लेंगे कैसे है ना, एक्स यूनिट चल रहा है तो अमाउंट ऑफ पेट्रोल कैसे निकालेंगे भाई, 10x से, ठीक है, 10x इज द अमाउंट ऑफ पेट्रोल, ओके। नाउ क्योंकि अमाउंट ऑफ पेट्रोल दोनों कंडीशन में सेम रहेगा, जब एक यूनिट इस्तेमाल कर रहा है तब भी, जब 1.25 मोर इस्तेमाल कर रहा है, मतलब नेक्स्ट जो नंबर ऑफ यूनिट जो है बाद में कितना होगा भाई, 10x अपॉन नंबर ऑफ यूनिट, क्योंकि हमको नंबर ऑफ डेज लास्ट, वही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डेज लास्ट इज इक्वल टू अमाउंट पेट्रोल सेम रहेगा, बट जो यूनिट रहेगा वो कितना हो जाएगा, एक्स, पहले एक्स इस्तेमाल कर रहा था, प्लस 1 प्लस 25 बाई 100, मतलब पर 25% हर दिन ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, सो इट इज़ 1.25x, ठीक है। एक्स एक्स कैंसल, 10 अपॉन 1.25 कितना हो रहा है, ये 8 हो रहा है, तो 8 दिन अभी चला पाएगा गाड़ी को एक टंकी फुल करा के, पहले 10 दिन चला पाता था लेकिन अभी 8 दिन चला पाएगा,
तो ये सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल समझना। देखो एग्जाम में ना कोई भी क्वेश्चन सिंपल नहीं होता यार, प्रेशर में ना हर क्वेश्चन आसान क्वेश्चन भी टफ लगता है, बट हाँ जो क्वेश्चन हम बनाए रहते हैं वो आसानी से जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 2017 के सी सेट में आया था यार। इन अ सिटी 12% ऑफ द हाउस होल्ड अर्न लेस देन ₹30,000, ठीक है। 30,000 से कम 12% हाउस होल्ड अर्न करते हैं, है ना, 2 लैक्स पर एनम से, ठीक है, सॉरी पर ईयर, 2 लाख पर ईयर से हमारे पास 6% हाउस होल्ड कम अर्न करते हैं, एंड 1 लाख से कम 22% हाउस होल्ड अर्न करते हैं, एंड हमारे पास परसेंटेज नहीं दिया, 990 हाउस होल्ड दिए हैं, जो कि किसके किसके बीच में अर्न करते हैं भाई, 30,000 और 100 के, दैट इज 1 लाख के बीच में। हाउ मैनी हाउस होल्ड अर्न बिटवीन 1 लाख एंड 2 लाख पर ईयर, ठीक है, 1 लाख और 2 लाख पर ईयर के बीच में कितने अर्न करते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो भाई, 1 लाख से ज़्यादा कितने लोग हैं, 22%, ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा कितने लोग हैं, 12%, लेस देन 30,000, 2 लाख मोर देन, सॉरी 6% मोर देन 2 लाख, एंड 1 लाख मोर देन 1 लाख कितने हैं भाई, 22%, ठीक है। सो 1 लाख से 2 लाख के बीच में कितने हो गए, कितने परसेंट हो गए, माइनस करेंगे दोनों को तो कितना हो जा रहा है यार, 16% जो है वो 1 लाख से 2 लाख के बीच में अर्न कर रहे हैं, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स हाउस होल्ड, ठीक है, तो नंबर बताना है, ठीक है। सो 16% हाउस होल्ड तो ये है, ठीक है। अब हमारे पास बताना है कि जो सम है वो हमारे पास 100% हो रहा है यार। सो 12% प्लस 990 प्लस 16% प्लस 6% इज इक्वल टू 100%, ठीक है। 12% प्लस 990 प्लस 16 ये वाला प्लस 6, 22 को हटा दिए हमने, सो ये 100% हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 990 इक्वल्स टू क्या हो रहा है भाई, ये उधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 66%, ठीक है। सो 1% की वैल्यू कितनी हो रही है, 1% में हमारे पास 990/66, ये 22, ये 330, ये 2 जा, ये 3 जा, ये 15 हो रहा है 1% बराबर। तो अगर हमारे पास कितना वैल्यू बोला है, 16% बराबर कितना होगा भाई, 16% बराबर 16 × 15 करो, 5 से 30 0, 3 कैरी, 5 × 5 8 0 6 1, 0 4 240, 240 इंडिविजुअल्स जो है वो हमारे पास किसके किसके बीच में अर्न कर रहे हैं यार, 1 लाख एंड 2 लाख पर ईयर के बीच में, ओके। सो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे गलती मत करना।